नमस्ते, सदावसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार। आप सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की कितनी इमेज होती है। हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट ही होता है। वो प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन इक्विवेलेंट ही होता है। आप सोचो कि हाई कोर्ट का सर्वे सर्वा अगर कोई होता है तो वो रजिस्ट्रार होता है। हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार धर्म परिवर्तन में शामिल हो, किसी का धर्म परिवर्तन करवाने में शामिल हो, जबरदस्ती किसी से किसी का रेप करवाने में शामिल हो, तो हमारे देश में कितनी बुरी बात है, या मैं कहूं कि कितनी ज़्यादा जिल्लत भरी बात है हमारे देश के लिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि मुसलमान जो संप्रदाय का व्यक्ति है वो हाई कोर्ट का जज हो जाए, वो जे देश का राष्ट्रपति हो जाए, वो देश का विदेश मंत्री हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को पहले एक मुसलमान कहता है। और मुसलमान को भड़काने वाले जितने आइटम मुल्ला मौलवियों ने दिए हैं उन सब पाखंडों को फॉलो भी करता है, ऐसा संभव है। बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि उस विधा को ना फॉलो करते हों। बहुत ईमानदार टाइप के लोग हों, बहुत कम लोग पाए जाते हैं जिनको सही से इस्लामिक स्क्रिप्चर्स मालूम हो और जिनको अल्लाह पर विश्वास हो। इसके अलावा वो सब कुछ धर्म परिवर्तन, गजवाए हिंद, या फिर वो दारुल हरम, दारुल इस्लाम, इस सब में विश्वास करने वाले लोग। ऐसा ही एक प्रकरण जो कि मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हॉट इशू एक समय पर बना था। आपको याद होगा 2014 का प्रकरण है, और 2014 में एक बहुत बड़ा मैटर हमारे सामने आया था। इतना बड़ा मैटर सामने आया था, देश में पूरे देश में तहलका हुआ। लेकिन जिस समय आज उसको सजा हुई, सजा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ख़ासतौर से, खैर हम तो लीगल इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, लीगल एनालिस्ट हैं, इसलिए हमने तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और इस तरह के जजमेंटों का इंटरप्रिटेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए करते ही हैं। क्योंकि जो जुडिशरी की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, या जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, हाई कोर्ट जजशिप की के लिए करने वाले हैं, एचजेएस के लिए करने, लिमिटेड एग्जाम के जजेस प्रमोशन, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट विषय रहता ही है, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन ये एक पब्लिक अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, या ये जब पब्लिक अवेयरनेस का केस है, इसलिए मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। ये केरला स्टोरी का ही एक बहुत विवस रूप है, इसलिए इसमें जब सजा होती है किसी कोर्ट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के जो मीडिया हाउसेस हैं उनको कवर करना चाहिए था। मामला 2014 का है। 2014 में हमारे सामने एक केस आया था जिसको रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज डिसाइड किया। क्या था मामला? एक व्यक्ति रकीबुल हसन झारखंड में रहता है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत गाड़ियाँ उसके पास हैं, बंगले उसके पास हैं, और बहुत रिच अपने आप को दिखाता है। वो मिनिस्ट्री के साथ बैठता है, वो जजेस के साथ बैठता है, वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ बैठता है, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का उपयोग करता है। उस समय हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हुआ करते थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, और मोहम्मद मुश्ताक अहमद उसका बखूबी साथ दे रहे थे, उसकी अपनी माँ उसका साथ दे रही थी। मामला क्या था, मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। हमारे देश में एक लड़की जो नेशनल लेवल की प्लेयर थी, वो कन्विक्ट हुई, वो कन्विक्ट कह रहा हूँ, वो विक्टिम बनी। इस व्यक्ति ने अपना नाम रंजीत सिंह कोहली बताया। रंजीत सिंह कोहली बताते हुए ये उस लड़की के संपर्क में आया जो नेशनल लेवल की एथलीट थी, और वो अपनी ग्लोरी पे थी। मतलब वो लड़की जो है वो ग्लोरी पे थी, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी की गई, कॉन्स्पिरेसी करके उसको अपने जाल में फंसाया गया। और सोच कर देखो कि नेशनल लेवल की शूटर, और नेशनल लेवल की शूटर से मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़की कितना इनकरेज्ड होगी, ये लड़की कितना आत्मविश्वास से भरी हुई होगी, ये लड़की कितनी ज़्यादा एक्सपोजर लिए हुए होगी। और इसको नहीं कहा जा सकता कि ये पर्दानशीन है,
इसको नहीं कहा जा सकता कि ये समाज से वाकिफ नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता कि ये दुनियादारी जानती नहीं, इसको नहीं कहा जा सकता कि देश में दारुल इस्लाम नाम का एक वो प्रोपोगंडा चल रहा है, इसको नहीं कहा जा सकता कि लव जिहाद के प्रकरण चल रहे हैं, इसको नहीं पता होगा कि ये, मैं मानता नहीं, लेकिन फिर भी वो लड़की इनके ट्रैप में आ जाती है और ये व्यक्ति अपने आप को रणजीत सिंह कोहली बताकर उससे प्यार करता है और बहुत रिच अपने आप को दिखाता है, उसके सभी कार्यक्रमों में जाता है, उसके गेम्स में जाता है और उसके बाद उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह करता है, उससे शादी करता है, हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है क्योंकि इसका नाम रणजीत सिंह कोहली है, हिंदू रीति रिवाज से ये विवाह करता है। और अब विवाह की टाइमिंग जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ये व्यक्ति 7 जुलाई सन 2014 को विवाह करता है लड़की से बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से। शादी के कुछ दिन बाद वो लड़का जो है वो अपनी माँ से मिलवाता है, माँ से मिलवाने के बाद पता लगता है कि माँ तो मुसलमान है, लड़का ये कहता है कि हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, इस्लाम स्वीकार करने के बाद लड़की से कहता है तुम भी इस्लाम स्वीकार करो, लड़की के साथ वो ज़बरदस्ती काजी को बुलाकर निकाह भी पढ़वाता है, मतलब खुद मुसलमान है, हिंदू आइडेंटिटी लेकर आया, माँ से उसने बाद में मिलवाया, हाई कोर्ट के एक जज साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हाई कोर्ट का जज इसमें इन्वॉल्व होगा तो आप सोच सकते, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार अगर इसमें इन्वॉल्व होगा, क्षमा करिएगा, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी विश्वास कर लेगा कि भाई हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार आश्वासन दे रहा है, मुश्ताक अहमद नाम का व्यक्ति लड़की को कन्विंस कर रहा है और फिर वो एक गेम प्ले करता है लड़की के साथ और कहता है कि इन्होंने कन्वर्जन कर लिया है, अब ये मुसलमान हो गए हैं, इसलिए अब तुमको निकाह पढ़ना चाहिए। अब लड़की मना करती है तो उसको ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया जाता है, निकाह पढ़वाने के बाद उनको शादीशुदा माना जाता है, लड़की लगातार कोशिश करती है कि वो किसी तरह से बचकर निकल जाए, लड़की के साथ बारंबार रेप किया जाता है, लड़की बार बार मना करती है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन लड़की को ये एहसास करवाया जाता है कि तुम मुसलमान हो और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो लड़की अगर उसको मना करती है तो उसको हत्या का भय दिखाया जाता है, वो लड़की मना करती है तो उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने की साजिश की जाती है, वो फिज़िकली असल्ट की जाती है, उसको किसी से भी बात करने से रोक दिया जाता है, उसको कहीं भी संपर्क करने से रोक दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि केरला स्टोरी की जो अदा शर्मा की स्टोरी है वो कुछ ऐसी स्टोरी थी कि उसको भी बाद में, पहले उसको एक ट्रैप में फंसाया जाता है, फिर उसको माँ बाप घर वालों से मिलने से रोक दिया जाता है, मित्रों से मिलने से रोक दिया जाता है, उसको किसी तरह समझाया, जब जब वो उसको समझ में आने लगता है तब तक वो गिरफ्तार हो चुकी होती है और गिरफ्तार होने के बाद वो ट्रैप में फंस चुकी होती है। अब ऐसी परिस्थिति में लड़की 7 जुलाई 2014 को पहला विवाह करने के बाद उसके बाद उसके साथ निकाह पड़ा गया, वो 19 अगस्त 2014 को किसी प्रकार से एक फ़ोन अपने भाई को कर लेती है और भाई से संपर्क होने के बाद उस मामले में एक लेडी इंस्पेक्टर को लेकर दबिश डाली जाती है और दबिश डालकर उसको रेस्क्यू करवाया जाता है। आप सोचो कि लड़की कैसे रेस्क्यू हुई होगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन बाद में सीबीआई को दी, हालांकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ पाया जाता है, उसके बाद इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दिया जाता है। दीपिका कुमारी नाम की एक सब इंस्पेक्टर जो झारखंड पुलिस की है वो इसको बचा कर लाती है किसी तरह से, बाद में मुकदमा लिखा जाता है और फिर ये पूरी स्टोरी बताती है कि पिछले 1.5 महीने में उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे रंजीत कोहली नाम का व्यक्ति मुसलमान निकला और वो मुस्लिम हिंदू आइडेंटिटी के साथ उससे निकाह करता है और शादी करता है और शादी करने के बाद निकाह करके ज़बरदस्ती करता है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हुआ तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर इसमें कोर्ट में 26 लोगों की को विटनेस बनाया गया ट्रायल में। इसमें की विटनेस में वो खुद एथलीट थी, काजी जिसने निकाह पढ़वाया था वो था, दीपिका कुमारी जो कि सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस है जो बचाकर लाई है वो उसकी गवाह हुआ करती थी, सीबीआई ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो हरीश चंद्र सिंह उनको बनाया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सीमा पहुजा ने किया था उनको बनाया गया और फिर गवाहियां होने के बाद
हालांकि 27 जून 2018 को फैमिली कोर्ट रांची ने महिला को दो केसेस हुए। एक तो ये हुआ कि भाई निकाह पड़ गया, तो ये क्या डिवोर्स ले या फिर ये शादी नल एंड वॉइड है। दूसरा मामला ये बनता है कि ये ज़बरदस्ती का है, तो क्या ये रेप है। तो एक मामले में सबसे पहले चूंकि शादी उसने की थी, बाद में उसने निकाह किया था, तो ये निकाह होने के बाद कैसे होगा। तो 27 जून 2018 को रांची की फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया और कहा कि भाई हम इनको डिवोर्स ग्रांट करते हैं, ये इस आधार पर कि क्रुएलिटी इसने की लड़के ने, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लड़के ने दी, और फिर डोमेस्टिक एंड फिजिकल वायलेंस लड़की के साथ किया। अब डिवोर्स हो गया, लड़की फ्री हो गई, यानी कि अब वो बंधी हुई नहीं है। इसके साथ सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन इस बात का किया, क्या इसमें संप्रदाय परिवर्तन का खेल है, क्या इसमें क्रुएलिटी का खेल है, क्या इसमें एक बड़ा गैंग लगा हुआ है। ये सब कुछ होने के बाद सीबीआई कोर्ट में केस किया। सीबीआई कोर्ट ने ये पाया कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार इस जो रंजीत कोहली है इसके साथ मिला हुआ था। उसने लड़की को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए रंजीत कोहली की भरपूर मदद की और लड़की को हड़काने धमकाने, पुलिस को इन्फ्लुएंस में लेने, अपनी पावर का मिसयूज़ करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। नतीजा निकला कि लड़की के साथ बार बार फिजिकल संबंध लड़के ने बनाए और इसमें लड़के की माँ और रजिस्ट्रार साहब शामिल थे। आप एक बात और ध्यान में रखने की है कि पहले जब रेप का केस होता था तो धारा 34 नहीं लगती थी, 34 नहीं लगती थी आईपीसी की, लेकिन अब अगर रेप का केस होता है और कोई महिला सहयोगी होती है पुरुष की, मैं फिर से कहता हूँ, कोई रेप का केस हुआ, रेप तो पुरुष ही करेगा, लेकिन पुरुष ने रेप किया और अगर उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी कोई दोस्त, उसका कोई साथी उसमें साथ देता है इस लड़के का, तो फिर धारा 34 लगाकर सबको रेप का दोषी माना जाता है। पहले एक जुडिशरी में क्वेश्चन आता था, क्या लड़की किसी का रेप कर सकती, तो यस, आज की तारीख में लड़की किसी का रेप नहीं कर सकती, लेकिन लड़की रेप के केस में दोषी हो सकती है क्योंकि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन दिखाई देता है और कॉमन इंटेंशन अगर चार लोगों, जब इस जजमेंट में भी कहा है कि चूँकि इन तीनों का एग्रीमेंट हुआ करता था, मिस्टर रजिस्ट्रार का, लड़के की माँ का और लड़का का, इन तीनों ने मिलकर लड़की के साथ क्रुएलिटी की, लड़की के साथ रेप होने दिया, लड़की के साथ रेप करवाया, लड़की को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, लड़की को लजाया सताया, लड़की को बंद करके रखा, उसको मारा पीटा। तो आप समझ लीजिए इसमें रेप के केस में भी धारा 34 लग गई क्योंकि पहले से एग्रीमेंट था और पहले से एग्रीमेंट होने की वजह से तीनों रेप के दोषी ठहराएंगे। हालांकि इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने झारखंड की धारा 375 का दोषी माना, लेकिन लड़के को उम्र कैद की सजा दी, लड़के की माँ को थोड़ी कम सजा दी और रजिस्ट्रार साहब को थोड़ी और कम सजा दी। आप सोचिए, लेकिन तीनों को सजा मिली है और तीनों इसमें दोषी पाए गए हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में कितने बड़े स्तर पर ये गेम चलता है। अब तो विचार ये भी करना पड़ेगा कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, बहुत सारे जो ऑफिसर, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे प्रकरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि साहब सीओ साहब आए थे एक फलाने सिंह, वो इसको वक्फ बना गए, वो यहाँ मस्जिद बनवा गए, वो यहाँ पर इमामबाड़ा बनवा गए, वो यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान है उसको थोड़ा बड़ा करवा गए, वो सब जब सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर थे, या एसएसपी था या डीआईजी था, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मज़ार बनवा गया था, हम लोग कहते रहे, लेकिन उन्होंने खड़े होकर बनवा दी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो सोचने की बात यह है, क्या किसी व्यक्ति के ऊपर इस्लाम इतना हावी हो सकता है कि वो मॉडर्न सोसाइटी में रजिस्ट्रार होने के बाद भी इन सब कामों में इन्वॉल्व हो। आप सोच कर देखिए कि कितने खतरनाक गेम हो रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि गुरु गोविंद सिंह जी बिल्कुल ठीक कहा करते थे, तिल्ली के दाने कितने ही हाथ में चिपका लो और उनको गिन लो, फिर भी एक समुदाय के ऊपर, एक पार्टिकुलर जो सोच के लोग हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ ये प्रकरण बता रहा है। आप सोचो कि नेशनल लेवल की प्लेयर का ये हाल है, क्योंकि वो नेशनल प्लेयर थी इसलिए उसके पास कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो समाज के सामने ला सकी, इसलिए उसने पुलिस को एक्सेस कर सकी, इसलिए वो कोई बात कह सकी। अगर वो इस लेवल का उसका टेम्परामेंट ना होता तो क्या होता। आप सोच के देखो, ऐसे हजारों लाखों लड़कियां
पहली भूल करने के बाद या ट्रैप में फंसने के बाद एक पार्टिकुलर समाज से घिर जाती हैं और फिर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा भी प्रकरण ऐसे भी मिले हैं कि लड़कियां इस तरह से जब इनकी शादी की जाती है तो शादी करते समय एक पार्टिकुलर ग्रुप उनको फंडिंग करता है और ये कहता है कि हम तुम्हें इतना इतना पैसा देंगे। आपने देखा होगा अभी इंदौर का प्रकरण कुछ दिन पहले ही आया था कि वो लड़की लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुसलमानों के साथ मिलवाकर उनसे निकाह करने के लिए इनकरेज करती थी और कहती थी कि हम तुम्हें ये इतना इतना पैसा देंगे। कहाँ से वो गई और इंदौर पहुँची। इंदौर में जाकर लड़कियों के ऐसे 50 लड़कियां उसके संपर्क में थी और वो ये सारा प्रकरण कर रही थी कि कैसे इस्लाम को बढ़ाया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते ही रहते हैं। इनमें फंडिंग निर्धारित होती है, जाति हिसाब से फंडिंग निर्धारित होती है और पूरा प्रकरण चल रहा होता है एक पार्टिकुलर रिलीजियस प्लेस से। तो फिर ऐसी परिस्थिति में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर विश्वास न किया जाए, ये सब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर जो विचार करने की और बात है वो ये है कि क्या इनको सप्रेस करना चाहिए, क्या इनको सप्रेस करने की सिचुएशन बनती है। लेकिन हमारे देश में ये सब चलने के बावजूद कुछ भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द इंग्लिश वर्जन। दिस केस इज अ वेरी हाईली अप्रिशिएटेड केस। वाई? बिकॉज द गर्ल who was the national athlete, national shooter, she came to the police station, she rescued from the confiscation of her fraud husband. Husband named himself as a Ranjit Singh Kohli and he convinced to the girl who was the national athlete and player, he convinced that he is in love with her, and for that he had a good friend who was the registrar of the high court, not of the registrar of anything else. He was the registrar of the high court. Registrar of the high court convinced the girl that the Ranjit Singh is a very good person. That is why she can marry with her, with him. He married with the Ranjit Singh married to the girl. After marriage, a few days later, he came to his mother and he tried to convince the girl that my mother is an Islamic person. I am also adopted the Islam. That is why you must have to marry with me as per the Islamic laws. So Kaji forcefully conducted her marriage with the Ranjit Singh. Who Ranjit Singh is a Hindu name. She is adopted, but his original name was Raqibul Hasan, and the name of the registrar was Muhammad Mushtaq Ahmed. Now, after an investigation, it was found that Mr. Mushtaq Ahmed, Rafiqul Hasan, and mother of Rafiqul Hasan was in agreement to do the fraud with the girl. That is why the mother is punished for 10 years prison. Mushtaq Ahmed sentenced for the 15 years jail term. He was the registrar. And now the Rafiqul Hasan for the life imprisonment. Court, CBI, special CBI court, Ranchi Prabhat Kumar Sharma observed that the convict have been given effect to an offense of serious nature, as they are held guilty of the playing fraud, causing atrocities with a young girl by hatching conspiracy, who was shining at that time as a national level shooter. She was an impressive example of an empowered woman who was also a national asset. Means that is an illustration. Honorable court is saying that it is an illustration that she was empowered woman and she was the national level asset. The act of the convict absolutely finished her career as a player and eventually a possibility of glory for this great nation on many international platforms. Now the court found that first of all the case filed to the family court Ranchi. Family court Ranchi observed that
बिकॉज ऑफ द क्रुएलिटी, बिकॉज ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, द मैरिज इज नाउ डिवोर्स्ड बिकॉज दिस मैरिज वॉज नॉट ऑन द ट्रू स्टेप्स. That is why marriage is after dissolution of the marriage. Now there was a criminal case of cruelty, of rape. If the first marriage, if the marriage is not valid, then the sexual relation with the female becomes the category of rape. It was a forceful sexual intervention. That is why Honorable CBI court, after a reporting of the CBI, CBI court sentenced all these three people for the 10 years, 15 years life, and the life imprisonment. We can observe that what is going on in India. See, some people are of the opinion that the Muslim is Muslim rather than any other post. You can see here, Mr. Registrar, Registrar is equivalent to the judges of the High Court. Mr. Registrar was involved for the forceful conversion. Mr. Registrar was involved for the forceful sexual intercourse with the girl. Mr. Registrar was involved in all the activities of Rafiqul Hasan, who named himself Ranjit Singh. So, in my opinion, if you are convinced with the Kerala story, these are the illustrations of the Kerala stories, like same type of stories in India. Who is the very literate person, who is the very educated person and very forceful, all his powers was applied to convert the girl. All his power, all the power of the registrar is applied for Mr. Kohli, who was Rafiqul Hasan, to identify himself, him as a Ranjit Singh, and for the conversion purpose. So we can hear, we can see all the things that what is going on in India. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.